अबू सलीम की कहानी। वो मुंबई आया था अपने दिमाग में चॉकलेटी हीरो बनने का सपना लेकर। उसे एक फिल्म भी मिली, उसके कुछ गाने भी शूट हुए, लेकिन इसके बाद वो फिल्म ना तो कभी कंप्लीट हुई और रिलीज होने का तो सवाल ही नहीं उठता। उस फिल्म का नाम था निर्मोही। आगे चलकर इस लड़के ने अपनी लाइन बदल ली और मुंबई का भाई बनने के रास्ते पर चल पड़ा। कुछ लोग इसे डॉन कहते हैं तो कुछ इसे फर्जी डॉन भी कहते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि बड़े डॉन का सहारा लेकर इसने अपना सिक्का चलाने की कोशिश की है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इसने जिस बॉलीवुड में कभी अपना करियर बनाने की सोची थी, उसी बॉलीवुड में अपने नाम का खौफ जरूर फैला दिया। हम बात कर रहे हैं अबू सलीम की। हमारे आज की वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, हम लेकर आए हैं इसकी जिंदगी के ऐसे पहलू जिन्हें जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में एक जगह है सरायमीर। अबू सलीम का घर बना हुआ है। एक वकील के घर में पैदा हुए अबू सलीम जब मुंबई पहुंचे तो गए तो थे बॉलीवुड में करियर बनाने, लेकिन इन्होंने जो रास्ता पकड़ा वो अंडरवर्ल्ड की तरफ ले गया। सरायमीर में रहने वाले कुछ लोग अबू सलीम को रोल मॉडल मानते हैं। उसकी ऊंची बिल्डिंग देखकर कई नौजवान उसके रास्ते पर चलने का सपना देखते हैं। यहाँ लोगों में अबू सलीम को लेकर किसी तरह का कोई गिल्ट नहीं है, बल्कि लोग प्राउड फील करते हैं। अबू सलीम के पिता एक कोर्ट में वकालत का काम किया करते थे। अचानक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। इसके बाद घर में एकमात्र अर्निंग पर्सन के तौर पर अबू सलीम ही था। अपना घर चलाने के लिए उसने सरायमीर में ही मैकेनिक की दुकान खोल ली, जिसमें कि साइकिल के पंचर बनाने से लेकर बाइक वगैरह सुधारने का काम किया जाता था। लेकिन उसमें भी बेनिफिट नहीं हुआ। फिर वो 80 के दशक में दिल्ली चला गया। दिल्ली आने के बाद साइकिल में पंचर बनाने से लेकर टैक्सी ड्राइवर और दूसरे कई सारे काम किए, पर इनको दिल्ली भी रास नहीं आई और साल 1985 के आसपास ये मुंबई आ गया, जहां मुंबई में इन्होंने छोटे मोटे काम किए, टैक्सी ड्राइवर का काम भी किया और फिर एक मॉल में फैंसी बेल्ट, चश्मे, पर्स वगैरह बेचने लगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी ब्रोकिंग का भी काम किया। मॉल के जिस दुकान में वो चश्मे पर्स वगैरह बेचा करता था, उस मॉल में कई सारे टपोरी भाई लोग भी आया करते थे। ये वो दौर था जब मुंबई में भाईगिरी का बोलबाला था। करीम लाला, हाजी मस्तान, दाऊद इब्राहिम जैसे छोटे बड़े भाई लोग मुंबई के हर गली कूचे में नजर आते थे। उस समय मुंबई में सोने चांदी से लेकर म्यूजिकल एल्बम की कैसेट और VCR इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसी चीजों की तस्करी की जाती थी। उस समय तक ये सारी चीजें आतंकवाद से नहीं जुड़ी थी, इसलिए ये कहा जा सकता है कि सोसाइटी में इनकी थोड़ी बहुत एक्सेप्टेंस थी। नए नौजवानों में दाऊद इब्राहिम का क्रेज था और दाऊद के करीब आने या फिर उसके गैंग में शामिल हो जाने को सम्मान की बात समझते थे। इसी दौर में अबू सलीम का एक दोस्त उसे दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई अनीस इब्राहिम के पास ले गया। अनीस ने मिलने के बाद भी अबू सलीम को कोई ज्यादा हैसियत उस गैंग में नहीं दी। उसका ज्यादातर काम माल को इधर उधर से करने का ही रहता था। कुल मिलाकर वो स्मगलिंग के काम में ही सीमित था। उस समय इस तरह के लोगों को स्मगलर भी कहा जाता था, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो उसकी हैसियत किसी डिलीवरी बॉय से ज्यादा नहीं थी। इसी तरह का काम करते हुए अनीस इब्राहिम ने उसे दूसरे कामों में भेजना शुरू किया, जैसे किसी बिल्डर से पैसा वसूलना है या किसी फिल्म इंडस्ट्री के व्यक्ति से अवैध वसूली करनी है। और जिन लोगों को वो इस काम के लिए भेजा करता था, उनके साथ अबू सलीम को भी भेजने लगा। काम करते करते अबू सलीम के दिमाग में ये बात बैठती चली गई कि सोने की स्मगलिंग कैसे की जाती है, बाकी चीजों को कैसे इधर से उधर पहुंचाया जाता है, बिल्डर हो या बॉलीवुड, अवैध वसूली इन लोगों से कैसे की जाती है, इन चीजों को समझने लगा था। इसी बीच समीरा जुबानी नाम की एक 17 साल की लड़की से इसे प्यार हो जाता है और ये इसका पीछा करता है। फिल्मी हीरो के स्टाइल में वो रहा करता था और उसी फिल्मी हीरो के स्टाइल में उसने उस लड़की को कॉलेज से घर तक फॉलो करना शुरू कर दिया। आगे चलकर दोनों की मुलाकात हुई और फिर दोनों ने शादी भी कर ली। अबू सलीम दाऊद ग्रुप से ही जुड़ा रहा, लेकिन आगे चलकर इस ग्रुप में छोटा शकील भी अपना कद बढ़ा रहा था। इसी बीच बिल्डरों और दूसरे लोगों से अवैध वसूली का सिलसिला भी चलता रहा। दाऊद ने अपना अड्डा दुबई में शिफ्ट कर दिया और अबू सलीम का दुबई आना जाना भी शुरू हो गया। लेकिन बीच में अबू सलीम पैसों के लेन देन में घालमेल करने लगा और ये बात जब दाऊद इब्राहिम नोटिस की तो उसकी नजर इसकी इमेज कुछ नेगेटिव बनती चली गई। अबू सलीम का कद भी डी कंपनी में बढ़ता जा रहा था और ये बात छोटा शकील को हजम नहीं हो रही थी। कहते हैं उसने दाऊद के कान भरे, हालांकि छोटा शकील इस बात से इनकार करता है। लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे अबू सलीम की डी कंपनी से छुट्टी हो गई। वो पहले दुबई में रहा और उसके बाद यूरोप चला गया। धीरे धीरे हिंदुस्तान में भी हालात बदल रहे थे। 1992 में बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद मुंबई में दंगे हुए।
इन दंगों के बाद सिचुएशन काफी क्रिटिकल हो गई और मुंबई में कुछ बड़ा होने वाला था। कहते हैं गुजरात से मुंबई तक हथियारों की खेप लेकर अबू सलेम भी आया था और उसे जहां डिलीवरी करने के लिए बोला गया था उसे वहां छोड़ भी दिया। इसके बाद अनीस इब्राहिम के कहने पर हथियार की डिलीवरी संजय दत्त के यहाँ देनी थी। AK-56 के साथ कुछ और हथियार लेकर अबू सलेम संजय दत्त के घर पहुंचा। संजय दत्त ने एक हथियार रखा और बाकी वापस कर दिए। अबू सलेम ने पहली बार संजय दत्त को आमने सामने देखा था, वो बड़ा खुश था। संजय दत्त ने उसे गले लगाया। आगे चलकर इसीलिए AK-56 के चक्कर में संजय दत्त को जेल भी हुई। मुंबई में साल 1993 में लगातार सीरियल ब्लास्ट हुए जिसके चलते दाऊद इब्राहिम को मुंबई छोड़ना पड़ा। अबू सलेम के डी कंपनी से रिश्ते अलग हुए। अब वो यूरोप गया, यूरोप से अमेरिका, अमेरिका से इसने अपनी प्रॉपर्टी बनाई। इसके बाद उसने एक बार फिर अवैध वसूली का सिलसिला मुंबई में शुरू किया। उसने इसके लिए बिल्डर प्रदीप जैन को चुना और उसे फोन कर धमका कर पैसे मांगे। प्रदीप जैन ने पैसे नहीं दिए तो उसे गोली मार दी। जिस दिन प्रदीप जैन की 13वीं थी उसी दिन उसकी वाइफ को फोन करके धमकी दी कि पैसे दो वरना तुम्हारे दूसरे फैमिली मेंबर्स को भी मार दिया जाएगा। बिल्डर लॉबी में कुछ दहशत फैल गई लेकिन वो कंफ्यूजन में थे कि पैसा डी कंपनी को दे या फिर अबू सलेम को। अब उसने अपना एक नाम कैप्टन रखा हुआ था, जब भी फोन करता था तो अपने आप को कैप्टन बताता। इसके अलावा उसने असलान नाम भी रखा था। जब फोन करो तो ये आवाज आती थी कि मैं अबू सलेम का सेक्रेटरी असलान बोल रहा हूँ, जबकि खुद अबू सलेम ही होता था। इसके बाद मुंबई में टी सीरीज कंपनी का मालिक गुलशन कुमार की हत्या का इंसिडेंट हुआ जिसमें भी अबू सलेम के द्वारा ही धमकी दी गई थी और पैसों की डिमांड हुई थी लेकिन गुलशन कुमार ने मना कर दिया। इस बात को अबू सलेम ने दिल पर ले लिया और कहते हैं कि जब शूटर गुलशन कुमार को गोली मार रहा था तब वो शूटर का फोन चालू था और गुलशन कुमार की चीखें अबू सलेम सुन रहा था। इससे मुंबई में अबू सलेम की दहशत फैल गई। इसके बाद त्रिदेव और ऐसी फिल्में बनाने वाले राजीव रॉय का इंसिडेंट हुआ, इनको भी धमका कर पैसे मांगे। फाइनली राजीव रॉय ने अपना सारा काम वाइंड अप करके लंदन में सेटल होना सही समझा। इसके अलावा आमिर खान, राकेश रोशन, बॉर्डर फिल्म बनाने वाले जेपी दत्ता के अलावा मनीषा कोराला के सेक्रेटरी को भी धमका कर उनसे पैसे मांगे और जिन्होंने नहीं दिए उनके लिए शूटर भी भेज दिए। इस तरह के कुछ 52 केस अबू सलेम पर लगे हैं। आगे चलकर इसने दुबई में फिल्म स्टार्स का कॉन्सर्ट कराना भी शुरू किया और ऐसे ही कॉन्सर्ट में इसकी मुलाकात मोनिका बेदी से हुई। मोनिका बेदी से संपर्क में आने के बाद इसने उसे कुछ फिल्में भी दिलाई और आगे चलकर कहते हैं कि इसने मोनिका बेदी से शादी भी कर ली लेकिन मोनिका बेदी ने शादी से इनकार कर दिया। ये मोनिका बेदी को लेकर यूरोप अमेरिका कई जगह रहा मगर हर जगह डी कंपनी वाले इसे ढूंढ रहे थे, साथ ही इंडियन एजेंसी भी इसे ढूंढ रही थी। फाइनली ये पुर्तगाल के लिस्बन में सेटल हुआ लेकिन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते रहते थे। जब अमेरिका पर 9/11 हमला हुआ तो अमेरिकन खुफिया एजेंसी FBI काफी सक्रिय हो गई, वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर नजर रखने लगी। तो इंडियन एजेंसीज को एक इनपुट वहां से मिला, दूसरा डी कंपनी का भी इनपुट था। साल 2002 में फाइनली भारतीय एजेंसियां अबू सलेम को लिस्बन में गिरफ्तार करती है। वहां ये अरसलान नाम से रहता था लेकिन इसके 3 साल बाद 2005 में इसे कुछ शर्तों के साथ भारत लाया जाता है। पुर्तगाल गवर्नमेंट के साथ जो प्रत्यर्पण हुआ उसमें शर्तों के मुताबिक अबू सलेम को ना तो हम 25 साल से ज्यादा जेल में रख सकते हैं ना ही फांसी की सजा दे सकते हैं। फिलहाल 93 ब्लास्ट और प्रदीप जैन मर्डर मामले में से उम्र कैद की सजा दो बार हो चुकी है। अबू सलेम के काम करने का तरीका दूसरे डॉन की अपेक्षा अलग था। जहाँ दूसरे डॉन अपना पर्सनल गैंग बनाते थे, उनके अपने पर्सनल शूटर हुआ करते थे, अबू सलेम ने कभी अपने पर्सनल शूटर नहीं रखे बल्कि जब भी इसे किसी को धमकाना या गोली मरवानी होती तो ये अपने आजमगढ़ सरायमीर के आसपास के बेरोजगार लड़कों को 5,000 का लालच देकर बुला लेता था, ट्रेन का टिकट देता और काम होने के बाद अगली ट्रेन से वापस भेज देता। ऐसे लोगों का मुंबई पुलिस में कोई रिकॉर्ड नहीं होता था इसलिए इन लोगों को पकड़ना मुश्किल होता था। फिलहाल अबू सलेम मुंबई की तलोजा जेल में बंद है लेकिन जब कभी भी इसे ऐसा लगता है कि इसके प्रत्यर्पण की शर्तों का उल्लंघन भारत सरकार कर रही है तो ये लिस्बन के वकीलों की भी मदद लेता रहता है। पुर्तगाल एम्बेसी के लोग भी इससे मिलने के लिए आते हैं। फिलहाल पेशी पर आना जाना और पुलिस वालों के साथ दोस्ताना व्यवहार इसका इस कदर है कि इसने कस्टडी में रहते हुए भी एक तीसरी शादी कर ली और इसकी पहली बीवी समीरा जुबानी अमेरिका में सेटल है। मोनिका बेदी ने शादी से इनकार किया है, तीसरी बीवी इससे मिलने के लिए आती रहती है, जिस बात को स्वीकार करती है कि उसने अबू सलेम से ट्रेन में शादी की है। 25 साल की सजा में से लगभग 14 साल इसके कट चुके हैं और आने वाले 11 सालों में इसकी सजा पूरी हो जाएगी। हो सकता है वो जेल से बाहर भी आ जाए, आजाद हो जाए। ये थी अबू सलेम की कहानी। आपको क्या लगता है, इस पूरे मामले में हमारे कानून में कमी है
या इसकी प्रोसीडिंग में कमी है, क्योंकि हम एक मुजरिम को उसके जुर्म के मुताबिक कानून के अकॉर्डिंग सजा नहीं दे पा रहे। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में बताना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।